और एक्चुअल में हम आ गए हैं ऑफ रोडिंग के लिए। ओए ओए तेरे ऊपर नहीं चढ़ानी। अरे हिमांशु तो चूस चास के निकाल लेगा इतना तो ऐसे पकड़ के। चढ़ा दी इन्होंने अलग ही। इस कार में ऑलमोस्ट सस्पेंशन पे करीब करीब 20 लाख रुपए लगे हुए हैं। तो भाई काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि वायरस कहाँ है। अब भाई वायरस 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 मतलब क्या यार, वायरस का इतना ज्यादा क्रेज। ओ माय गॉड, मतलब मैं वायरल दिखा रहा हूँ, मैं ब्लैक माफिया दिखा रहा हूँ, मैं टर्बो फॉर्च्यूनर दिखा रहा हूँ, पर लोग कह रहे हैं वायरस कहाँ है। तो भाई वायरस एक्चुअल में बेसमेंट पार्किंग में खड़ी थी एंड मेरे को लगा कि चलो यार बेसमेंट पार्किंग से निकाल के लाने में ना दिक्कत थी, गंदी हो रही थी, उसको साफ कौन करेगा। लास्ट टाइम जो भी मैंने फोटोज खींची, फोटोज के अंदर काफी सारे कमेंट्स आने लग गए कि वायरस इज मिसिंग। तो गैराज गोल अपना वही है, दो कार्स एंड दो बाइक्स। तो दो कार्स दो बाइक्स, क्योंकि चलाने वाला मैं अकेला हूँ और मुझे इससे ज्यादा जरूरत मुझे लगता नहीं है कि है। वैसे अपन और भी ले सकते हैं बट अभी मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा लेनी चाहिए बिकॉज इट विल बी अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो अननेसेसरी एक्सपेंस अभी नहीं करेंगे बट हाँ कर भी सकते हैं अगर अपन कुछ कमाने लग जाए तो। तो एनीवेज अभी 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 प्लानिंग चल रही है बहुत सारी एंड अब चलते हैं यहाँ से बिल्कुल नीचे। 2000 years later पीछे ये मतलब जंगल सा रास्ता, वो मैडम वो पैदल पैदल ही निकल गई इधर उधर और एक्चुअल में हम आ गए हैं ऑफ रोडिंग के लिए। तो ये रहे मिस्टर हिमांशु निगम। हाँ जी कैसे हालचाल? बढ़िया। तू भी छोटा सा लग रहा है इसके आगे तो। तू भी सही में छोटा सा ही लग रहा है बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, इस मॉन्स्टर को लेके चलते हैं थोड़ा सा वहाँ ऑफ रोडिंग वाले ट्रेल पे। तो मैं कभी इस ट्रेल पे गया नहीं हूँ, मेरे लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रेल होगा। मतलब अभी तक मैंने ना एक्सप्लोर किया ऐसा कोई ट्रेल, ना ही मैं इस रास्ते पे पहले कभी आया हूँ। और थोड़ा सा ओ यार मोर की आवाज़ आई पीछे से बहुत तेज़। तो बिल्कुल एक्चुअली मैं बिल्कुल खुले वाले एरिया में आ गया हूँ और एरिया दिखाता हूँ, मतलब पीछे से दिखाता हूँ, बड़ा खतरनाक सा एरिया है। वैसे इसको देख के तो मतलब ऐसा लगता है कि बस ये कहीं भी चली जाएगी, मुझे नहीं लगता कहीं रुकने वाली है। बट अपन बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग तो नहीं कर पाएंगे बट ये देख लो, ये पीछे देखो, ये देखो एरिया देखो, वो मोर देखो कितना सुंदर लग रहा है। मुझे नहीं पता इस कैमरे में आ पाएगा या नहीं, वो देखो बुरा 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 वो भाग गया। तो बिल्कुल ज़बरदस्त जगह है एंड ये रही मॉन्स्टर। चलें चलो चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज कैसी हैं इसकी। बहुत ज़्यादा नहीं बट यस थोड़ा बहुत तो करेंगे। A few moments later. तो भाई फाइनली अब हम घुस रहे हैं ये ट्रेल के अंदर और ये देखो अब देखो ये, अरे यार ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपन अभी पहुंच गए। ओए 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 ओए। चलो अभी और अंदर चलते हैं फिर थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अभी 4x4 डाला भी नहीं है, एंगेजमेंट भी नहीं किया है, 4x2 में ही कहीं नहीं रुक रही, मेरे को तो दिख भी नहीं रही, फीलिंग भी नहीं आ रही कि इतनी सी भी रुकेगी। और अभी आगे आगे मेरे को जो ट्रेल दिख रहा है ना और खतरनाक दिख रहा है। देखो ट्रेल कितना खतरनाक है आगे, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त। तो आगे आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से और मज़ा आने वाला है। तो अभी ना अभी एक्चुअल में मतलब हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं जिस पॉइंट पे प्रॉपर ऑफ रोडिंग होती है। यहां तो ये बिल्कुल ऐसे निकल रही है जैसे बिल्कुल मतलब मक्खन की तरह, कोई फीलिंग ही नहीं है अभी तो। मतलब ऑल्दो कह रही है ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा रास्ता है, थोड़ा बहुत है टेढ़ा मेढ़ा। आई कैन फील यहाँ पे जो सस्पेंशन ट्रेवल हो रहा है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, मतलब बिल्कुल गाड़ी ना बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रही है और पूरे टायर ना ज़मीन पे चिपके हुए, तो बिल्कुल फीलिंग नहीं है कि कहीं पे भी थोड़ा सा भी मतलब गैप आ रहा है या कुछ जर्क आ रहा है ना। हिमांशु जर्क तो बिल्कुल नहीं आ रहा ना इस टाइम पे, कंफर्टेबल है अभी, इतना फील हो रहा है कंफर्टेबल। हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब खड्डों वड्डों में से बिल्कुल ऐसे निकल रही है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके एडजस्ट होके निकले जा रही है। मैंने स्पीड बिल्कुल धीरे रखी हुई है, सीटिंग की भी हाइट ये नहीं कि हम बिल्कुल इधर झुक रहे हैं अगर डाउन में जा। हाँ हाँ कुछ भी नहीं हो रहा अभी भाई, शूज वही मैं अभी वही स्लीपर्स। कोई बात नहीं सांप ही तो काटेगा सीरियसली, और जो इसके पैर के अंदर घुस जाएगा कुछ। अरे हिमांशु तो चूस चास के निकाल लेगा इतना तो ऐसे पकड़ के। Meanwhile. तो ये ना अब कुछ ऑफ रोडिंग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कितनी सक्सेसफुल रहती है ये। वैसे ये इतनी जम्बो सी है यार गाड़ी, चढ़ा दी इन्होंने अलग ही। ओए टेढ़ी हो गई है पूरी।
पे है, 4x4 तो मैंने एंगेज ही नहीं किया अभी, और मेरे को लगता है कि 4x4 पे करूंगा तो बिल्कुल अलग हो जाएगी। बट ये रोड बहुत मस्त था ना, आपने ये काफी ज्यादा ऊपर नीचे इस पे ऐसे दिख नहीं रहा है बट काफी ज्यादा सही चला दिए। तो अब मैंने कर दिया है इसको 4 हाई पे, अभी 4 लो भी नहीं किया मैंने, 4 हाई पे कर दिया है। अब चारों टायर चलेंगे तो मेरे ख्याल से और ज्यादा मजा आने वाला है और खतरनाक होने वाला है और ज्यादा। A few moments later. तो भाई अब मैं चढ़ाने वाला हूँ उस जगह पे जहाँ पे एक्चुअल में मतलब बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। कार कर दी है मैंने 4 लो पे, चलो भाई। मुझे डर लग रहा है देख के। खतरनाक यार, क्या गाड़ी है यार, कहाँ चढ़ा दी मतलब। ये सामने देखो, बिलीव मी अगर मैं फॉर्च्यूनर पे ऐसा सोचूं भी ना तो सोचना भी गुनाह है, गुनाह मतलब ये सोचना भी गुनाह हो जाएगा। और तेरी भाई अब देखो ये गाड़ी क्या लग रही है यार, ओए होए कहाँ चढ़ा दी अपन ने। बिल्कुल टायर देखो, मैं टायर का एक्चुअली सस्पेंशन ट्रेवल दिखाता हूँ। ये देखो अब ये सस्पेंशन पूरा ऊपर है इस टाइम पे, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये पूरा गैप कम हो गया और यहाँ से सस्पेंशन पूरा डाउन है। ये देखो ये पूरा सस्पेंशन नीचे आ चुका है। ये टायर अभी हवा में है, नहीं हवा में नहीं है, हल्का सा टच हो रहा है। पीछे वाला टायर देखो, ये बलून टायर के फायदे। ये देखो अब ये टायर पूरा ऊपर जा चुका है, पूरा ये यहाँ से पूरा ये यहाँ से गैप खत्म हो गया। ये टायर पूरा हवा में है और मतलब मैं क्या बोलूं यार, कैसी लग रही है ये, खतरनाक सी। जीप रैंगलर जेके एडिशन 2017 जिसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया है जेएल 2020 एडिशन में, और साथ में खाली यही चेंज हुआ है इसका, ये हुड चेंज है, फ्रंट चेंज है, ये साइड वाले फेंडर्स चेंज है, आगे का बम्पर स्पेशल लगा हुआ है, वेंच लगी हुई है। बहुत स्पीड में बताऊंगा, टायर्स लगे हुए 37 इंचेस, 5 इंच लिफ्ट, 17 इंच लेंसों के अलॉय, और कार के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं जबरदस्त, और सस्पेंशन ट्रेवल जो है वो ट्रेवल है 8 इंचेस का, 8 इंच ट्रेवल सस्पेंशन, ट्रेवल बहुत ज़्यादा सस्पेंशन होता है, और एक्चुअल में कार बनाई हुई है बहुत ही स्पेशल। इस कार में ऑलमोस्ट सस्पेंशन पे करीब करीब 20 लाख रुपए लगे हुए हैं, जो एक अच्छा खासा अमाउंट है। और 20 लाख रुपए लगने के बाद ना मतलब गाड़ी दिखती है कुछ ऐसी, सस्पेंशन में 10 लाख रुपए और ऊपर से लगे हुए हैं, और अभी 20 लाख रुपए का और सामान लगना है, और वो लगने के बाद हो जाएगी ये इंडिया में अकेली इकलौती कार जिसमें होगा सुपर चार्ज। तो ये बनने वाली है बहुत ही स्पेशल, अभी भी बहुत स्पेशल है। और ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी 4 लो पे मैंने सिर्फ गियर डाला, सिर्फ अपना मतलब ब्रेक छोड़ी, और ये गाड़ी ना वहाँ से लेके यहाँ तक अपने आप रेंगती रेंगती आई है। मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैंने सच में कुछ नहीं किया, मतलब इतना से बार भी ना मतलब थ्रॉटल पे पैर नहीं रखा कि मतलब थोड़ा सा इसको पुश कर रहा है या कोई ताकत की जरूरत है। बट अमेजिंग चल रही है और मज़ा आ रहा है, और ये जगह देख के तो और मज़ा आ गया।
कह रहे थे, और टाइम हो गया एक्चुअली 7:30 और वहाँ पे मिल गए हमें कुछ गांव वाले। गांव वालों ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आगे नहीं जाना है आपने, और नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, रात के टाइम यहाँ पे बिल्कुल जाना अलाउड नहीं है। एंड ये एक्चुअली अरावली हिल्स में आता है पूरा एरिया, तो यहाँ पे क्या है मतलब सारे जंगली जानवर भी मिलते हैं और सब कुछ होता है यहाँ पे। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि सर आप आगे मत जाओ, ये हमारी रिक्वेस्ट है, आप सुबह आ जाना, सुबह चले जाना, बट इस टाइम पे बिल्कुल मत जाना। इस टाइम पे यहाँ पे सीआर भी मिल जाएंगे आपको और बाकी और भी काफ़ी कुछ मिल सकता है, तो बिल्कुल भी मत जाना, ट्राई मत करना ऐसा कुछ। तो इसीलिए हमने फिर वापस यू टर्न लिया और वापस जा रहे हैं अब, और वापस चल के और ख़त्म करते हैं इसी वीडियो को। तो ऑफ रोडिंग कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।